तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं हूं सुनील शास्त्री और आज हम बात करेंगे नाड़ी दोष पर, क्योंकि नाड़ी दोष मिलान के अंतर्गत जैसे कि अष्टकूट निर्धारक तत्वों में नाड़ी का विशेष महत्व है। नाड़ी पर विशेष नाड़ी दोष जो लगती है मैचिंग के दौरान, वह वर कन्या की कुंडली मैचिंग के दौरान विवाह के लिए जो हम देखते हैं उनका भविष्य के लिए उसमें जो है नाड़ी दोष का विशेष महत्व है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आइए जानते हैं नाड़ी दोष जो है, एक ही नाड़ी लगने पर वर कन्या के भविष्य के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए जो है बहुत अशुभ माना गया है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन पर, क्योंकि यदि नाड़ी लगती है तो नाड़ी का दोष यह है कि वह जो है उन दोनों को उनके दाम्पत्य जीवन में जो है अतिशय दुख प्रदान करता है। उसके बाद में जो है किसी भी हद तक जो है एक दूसरे को कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या बीमार अतिशय रह सकते हैं हमेशा के लिए कोई दोनों में से एक या दोनों, और यहां तक कि वैधव्य योग भी बनता है। वैधव्य यानी विधवा योग भी यह नाड़ी के ही कारण होता है। इसलिए विशेषकर अष्टकूट निर्धारक जो मैचिंग के निर्धारक तत्व है उनमें जो विशेष नाड़ी है उस पर भी विशेष प्रकार से हमें फोकस करना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए कि हमारी कहीं नाड़ी तो नहीं लग रही, या जो हम मैचिंग कर रहे हैं इसमें कोई नाड़ी का अपवाद तो नहीं है, दोनों की एक ही नाड़ी तो नहीं है। क्योंकि दोनों की अगर एक ही नाड़ी हो गई तो वह नाड़ी दोष कहलाता है, और नाड़ी दोष जो है काफी हद तक बहुत खराब हो सकता है, अतिशय दुख देने वाला, वैधव्य योग बनाने वाला और वर कन्या के लिए अति भयंकर दुख को देने वाला। इस पर विचार विमर्श करते हैं। जिस प्रकार से 36 गुण जो हमारे टोटल होते हैं होने चाहिए, लेकिन 36 में से जितने भी हमें प्राप्तांक होते हैं यानी कि हमें जो प्राप्त होते हैं हमारी कुंडली मैचिंग के अनुसार, उसमें से 8 गुण जो है केवल नाड़ी दोष के होते हैं। यदि नाड़ी दोष लग गया तो 8 गुण उसमें से कट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, और यदि मिल जाते हैं तो 8 गुण प्लस हो जाते हैं। तो जो है प्राप्तांक हमारे जो कुल गुण हमारे जो मैचिंग हुए, वो देखने की बात है कि उसमें से 8 गुण हमारे नाड़ी दोष के कटे तो नहीं। यदि कटे हैं तो निश्चित ही हमें नाड़ी दोष लगा है, क्योंकि आजकल के हिसाब से सभी जो है सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर हर जो अष्टकूट मिलान है उसके अनुसार हर टॉपिक पर जो है अपने गुण प्रदान करता है। जिस प्रकार राशि मैत्री के 5 गुण, इसी प्रकार से 8 गुण मात्र केवल नाड़ी के होते हैं, वो कट भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। यदि जुड़ गए तो वह प्लस होकर के आएंगे, कटेंगे तो माइनस होकर के आएंगे, और माइनस यदि होंगे तो निश्चित ही हमें नाड़ी दोष लगा है। उस नाड़ी दोष पर विशेष ध्यान हमें देने वाली बात है। 27 जो नक्षत्र है अश्विन आदि, वो 27 नक्षत्र जो है तीन विभागों में, तीन नाड़ियों में बांटे गए हैं, आदि, मध्य और अंत। आइए जानते हैं किस प्रकार से अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तराफाड़ा, हस्ता, ज्येष्ठा, मूल, शतविशा और पूर्व भाद्रपद, ये है आदि नाड़ी के। इनमें जो जन्म लिए जो बालक बालिकाएं हैं वह आदि नाड़ी के हैं। भरणी, मृक्षरा, पुख्या, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद, ये इन नक्षत्रों में उत्पन्न जो जातक हैं उनके उन वह मध्य नाड़ी में उत्पन्न है, यानी कि उनकी मध्य नाड़ी है। उसके बाद में कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती, ये जो नक्षत्र है इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातक जो है अंत्य नाड़ी के, यानी कि इन सब जिन जिन नक्षत्रों की बात मैंने की, ये नक्षत्र ये अंत्य नाड़ी के व्यक्ति हैं, इनकी अंत्य नाड़ी होती है। इसी प्रकार से
वर कन्या का जन्म नक्षत्र एक ही नाड़ी में पड़ना विवाह के लिए अशुभ माना गया है। दोनों की एक ही नक्षत्र हो और एक ही नक्षत्र में, क्योंकि नक्षत्र में ही नाड़ी लगती है, और एक ही नक्षत्र में नाड़ी पड़ने से जो है अशुभ माना गया है। वो किसी भी हद तक हो सकता है, परस्पर वियोग हो सकता है, कोई आपसी झगड़ा हो सकता है, बीमारी हो सकती है, या फिर वैधव्य योग हो सकता है, या फिर पूरा जीवन धन के बिना और बहुत क्लेश में, विपत्ति में, आपत्तिजनक स्थिति में जीना पड़ सकता है। तो इसीलिए वर और कन्या की कुंडली मिलान के समय ये विशेषकर ध्यान देने वाली बात है, अन्यथा उनका जीवन खराब हो सकता है। यहां तक कि विवाह में बड़े विवाह के इस मिलान पर, नाड़ी पर अच्छे अच्छे विद्वानों ने अपना मत दिया है। उन्हीं में से नारद जी महाराज ने भी इस पर शब्द कहे, आइए सुनते हैं। एक नाड़ी विवाह से गुणे सर्वे समन्विता वर्जनीय प्रयत्न न दंपत्यो निधनम यतः। नारद जी कहते हैं कि यदि कुंडली में सभी गुण से संपन्न यदि कुंडली मिल रही है, सभी माना कि पूरे जो है 22, 28, 30 गुण मिल रहे हैं, और उसमें से यदि नाड़ी दोष लगा है, नाड़ी दोष के गुण कम हो गए, और नाड़ी दोष यदि लगा है तो वह सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि उन दोनों में से एक का निधन पक्का है। इसीलिए नाड़ी दोष पर विशेषकर कुंडली मिलान के समय, अष्टकूट मिलान के समय जो है विशेषकर नाड़ी पर भी ध्यान दें। जिस प्रकार से मांगलिक योग पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार से नाड़ी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि नाड़ी जो है जीवन को, नाड़ी दोष लगने पर जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इन प्रकार से जो जो मैंने आपको गिना है, ये तो हुआ नाड़ी दोष का प्रभाव और नाड़ी लगने का तरीका। लेकिन क्या नाड़ी किस किस रूप में हम परिहार कर सकते हैं, नाड़ी से छूट सकते हैं, क्या क्या स्थितियां ऐसी हैं जिनसे हम जो है नाड़ी दोष से बच सकते हैं, और यदि नहीं बच सकते तो इसका उपाय क्या है, और किस प्रकार से हम नाड़ी दोष को शांत कर सकते हैं, इसके बारे में जानें। आइए, नाड़ी दोष अपवाद जो है, दोष है, इस दोष से परिहार कैसे हो, मतलब कैसे हम छूटे और किस किन स्थितियों में हमें नाड़ी दोष नहीं लगता, इस पर बात करते हैं। वर कन्या की एक ही राशि हो परंतु नक्षत्र अलग अलग हो, राशि एक है, नक्षत्र अलग अलग है, और फिर भी यदि नाड़ी लग रही है तो नाड़ी दोषो न विद्यते, नाड़ी दोष को नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात, वर कन्या की दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो, दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो परंतु राशियां भिन्न भिन्न हो तो भी नाड़ी दोष अविचारणीय है। ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष आ रहा है तो वो अविचारणीय है, उसे नाड़ी दोष को जो है छोड़ देना, यानी कि नाड़ी दोष अविचारणीय है, माइंड से निकाल देना चाहिए, वहां उस स्थिति में नाड़ी दोष नहीं लग रहा है। परंतु तीसरी बात यह है कि वर कन्या दोनों का नक्षत्र एक हो परंतु चरण भिन्न भिन्न हो, राशि भी चाहे सेम हो, नक्षत्र भी सेम हो, और पर चरण जो है नक्षत्रों के जो है पाद भेद नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों के चरण जो है, नक्षत्र भी चाहे एक हो, नाड़ी दोष लग रहा है, और अगर दोनों के नक्षत्र के पाद एक ही हैं, इस चरण में माना पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी दोनों का है, और पूर्व फाल्गुनी में प्रथम चरण में ये भी हुए हैं वो भी हुए हैं, तो इस स्थिति में नाड़ी दोष लगेगा। लेकिन यदि नक्षत्रों में चरणों में भेद है, एक प्रथम चरण में हुआ, एक दूसरे चरण में हुआ, तीसरे चौथे में, तो इस स्थिति में नाड़ी दोष से बचा जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों पर नाड़ी दोष का प्रभाव नहीं होता। आगे जानते हैं, विशेषकर नाड़ी दोष किसके लिए प्रभावकारक है, वो है ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति के, ब्राह्मण वर्ग के, ब्राह्मण कर्म जिनका है वह व्यक्ति, उन ऐसे व्यक्तियों की या ऐसे ब्राह्मणों की जाति से भी जो ब्राह्मण है उनकी कुंडलियां यदि मिलाते हैं, उन कुंडलियों के मध्य यदि नाड़ी दोष आता है
तो वह उनके लिए विचारणीय है, ब्राह्मणों के लिए विशेषकर नाड़ी दोष माना जाता है, तो उन्हें नाड़ी दोष का कुछ शांति करनी चाहिए। दूसरा, जो क्षत्रियों के लिए यदि दोष है वह है वर्ण दोष, वर्ण दोष नहीं होना चाहिए क्षत्रियों के लिए। गण दोष वैश्यों के लिए है, वैश्य है यानी व्यापार करने वाले जो है, वह व्यापार करने वाले जो लोग हैं वह उनको उनको जो है गण दोष प्रभावकारक है, इसलिए वो गण दोष पर विशेष ध्यान दे। उसके बाद में योनि दोष शूद्रों के लिए है, योनि दोष का जो प्रभाव है उसके जो गुण करते हैं उसकी जो शांति होनी चाहिए वो जो है शूद्रों के लिए विशेषकर माना जाता है। नाड़ी दोषस्तु विप्राणम, वर्ण दोषस्य क्षत्रिये, गण दोषस्य वैश्यस्य, योनि दोषस्तु पादजम्। इस प्रकार से इन इन वर्णों के लिए और नाड़ी दोष विशेषकर ब्राह्मण के लिए माना जाता है। और इसी के साथ में अगर हम और भी ध्यान दें तो हमारे जो विद्वान जन हैं वो ये कहते हैं कि नाड़ी दोष का विचार सभी जातियों की वर कन्याओं के मिलान के समय करना चाहिए। यानी ये विद्वानों का मत है कि ब्राह्मणों के लिए विशेषकर होता है, या उसमें पंचांग में भी लिखा है, धर्मशास्त्र भी कहते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हमारे जातियों में भी मतभेद होता है, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है और हमारा जो जो मॉडिफाइड जमाना है, और इस मॉडिफाइड जमाने में, बदलते जमाने में जो है व्यक्ति मॉडिफाई होते हैं, चाहे कोई कुछ भी हो लेकिन अच्छा बनना चाहता है, ऊंचा बनना चाहता है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो वो मेरे लिए भी उतना ही बराबर है, आपके लिए भी बराबर है जो वीडियोस को देख रहे हैं, और भी जिस भी जाते हैं। तो विशेषतर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जिसको हम कर रहे हैं वाकई में उनकी स्थिति क्या है, वो क्या है, और उसके अनुसार ही मिलाप करना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं बनता तो नाड़ी दोष लगभग सभी के लिए विचारणीय है, विशेषकर कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जो राशियां हैं तीन, इन तीन राशियों के लिए विशेषकर विचारणीय है, ब्राह्मणों के लिए विचारणीय है। यदि नाड़ी दोष के लिए अगर ये सब विचार न करें तो सभी के लिए नाड़ी दोष का विचार करना चाहिए, नाड़ी दोष नहीं लगना चाहिए। यदि नाड़ी दोष लगता है तो उसका निश्चित ही जो है उपाय करना चाहिए, किसी प्रकार से यदि विवाह करना पड़े तो। आइए और जानते हैं, मूर्त संग्रह दर्पण जो हमारा ग्रंथ है वह ये कहते हैं, ये कहता है कि यद्यपि वर कन्या का एक ही नक्षत्र अथवा एक ही राशि का होने से नाड़ी दोष का परिहार माना गया है, या इन्होंने भी यही कहा है, ग्रंथ ने, मूर्त संग्रह दर्पण ने भी यही कहा है कि एक ही राशि हो चाहे और एक ही नक्षत्र भी हो तो भी चलेगा, एक राशि होने से चलेगा, एक नक्षत्र होने से चलेगा, पर एक नक्षत्र में चरणों का पादभेद नहीं होना चाहिए, यानी कि नक्षत्र के भी चरण जो है सेम नहीं होने चाहिए। नक्षत्रों में अगर चरणों में, जैसे कि पहले कहा मैंने, एक प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में अगर एक हुआ है और एक द्वितीय में हुआ है, यानी कि एक वर अगर मानावत, देखो ये दोनों में समानता है, वर कन्या अगर उनमें से एक भी एक प्रथम चरण या द्वितीय चरण में है और दूसरा वर कन्या में से कोई भी एक अगर तृतीय चौथे चरण में या प्रथम चरण में है, यानी कि चरणों में जो है वो भेद पादभेद नहीं होना चाहिए, अगर समान होंगे तो विशेषकर उन पर नाड़ी दोष का विशेष प्रभाव होगा और उन्हें विशेष शांति करनी चाहिए। उसके बाद में यदि पादभेद नहीं है, नक्षत्र में चरण में पादभेद नहीं है तो नाड़ी दोष का परिहार समझना चाहिए, नाड़ी दोष इस स्थिति में बिल्कुल नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, और भी जो है ज्योतिष ग्रंथों से हम जानते हैं, एक नक्षत्र जातानां नाड़ी दोषो न विद्यते, अन्यक्षना नाड़ी वेदेषु विवाहो वर्जिता सदा। इसके बाद में ज्योतिष चिंतामणि, जो ज्योतिष का है, वो ये कहती हैं, पुस्तक कहती है कि रोहिणी, मृक्षरा, आर्द्रा, ज्येष्ठा, कृतिका, पुख्या, श्रवण, रेवती एवं उत्तर पादर्वत,
इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातकों को जातिकाओं को नाड़ी दोष नहीं लगता, नाड़ी दोष मान्य नहीं होता। इसी प्रकार से ज्योतिष चिंतामणि जो है वह ग्रंथ जो है यह पुस्तक जो ज्योतिष की है वह यह कहती है नाड़ी दोष के ऊपर, यो यह है कि नाड़ी आदि दोषों का परिहार होने की स्थिति में उनके संबंधित आधे गुणों को जोड़कर जमा देने का भी विचार है। अर्थात जब जो हमारे प्राप्तांक हैं, यानी कि जो हमारे गुण आ रहे थे अभी तक पूरे, और उसमें से 8 गुण हमारे कट गए थे गुणों में, जो सॉफ्टवेयर के अनुसार हम जो मैचिंग करते हैं उसमें, या फिर वैसे भी मैचिंग जो करते हैं उसमें जो है हमारे नाड़ी दोष लगा, और उसमें हमारे नाड़ी दोष के कारण जो है 8 गुण हमारे कट गए। लेकिन इन इन नक्षत्रों में जो मैंने आपको अभी बताया, रोहिणी आद्रा ज्येष्ठा मृक्षा कृतिका रोय रेवती उत्तर भाद्रपद पुख्या कृतिका, इन नक्षत्रों में यदि हम उत्पन्न हुए हैं तो वह जो हमारे दिखा रहा है नाड़ी दोष, तो इन नक्षत्रों में उत्पन्न होने से हम जातक जातिका जो भी हैं वह हमें नाड़ी दोष नहीं लगेगा। और जो 8 गुण काटे गए हैं, यानी कि उन जो प्राप्तांक में से 8 गुण जो नाड़ी दोष के लगने से काटे गए हैं उसे पुनः जोड़ने का विधान है, आप जोड़ सकते हैं यदि इन नक्षत्रों में उत्पन्न है तो, ऐसा ज्योतिष चिंतामणि कहती है। तो हमें ग्रंथों की बातें माननी है, हमें वेद शास्त्रों की बातें माननी है, हमें विद्वानों की भी बातें माननी है, और उसके बाद में जो है हमें अच्छा विवेचन करके, जैसा हमें इस पर विशेष प्रभाव करके जो निचोड़ निकाला जाएगा उसके ही अनुसार हमें आगे कार्य करना है, तो ही हमारे लिए शुभ है। विद्वान जनों की अनुमति सहयोग लेना बहुत आवश्यक है इस स्थिति में। आगे जानते हैं बृहद संहिता जो हमारा ग्रंथ है, वो ये कहते हैं कि नाड़ी दोष यदि लग गया है किसी प्रकार से, यदि नाड़ी दोष लग गया, अपवाद परिहार नहीं हुआ है और अपवाद हम पे लग गया, उसका दोष है, तो उस दोष को किस प्रकार से हम शांत करें, उसके लिए उपाय बता रहे हैं कि किसी अच्छे मुहूर्त में उनकी राशि, वर कन्या की राशि चंद्र गुरु की स्थिति देख करके, या विशेषकर चंद्रमा की स्थिति देख करके, ऐसे शुभ मासों में, श्रावण मास में, या ऐसे माघशेष मास में, इन मासों में जो है अच्छे जो मास है, महीने हैं, जो उन महीनों में चंद्रमा देख करके अनुष्ठान करना चाहिए, मृत्युंजय जाप करना चाहिए, जिस मृत्युंजय जाप के प्रभाव के कारण जो है उनका यह नाड़ी दोष से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो जो है खत्म हो सकता है, इसके बारे में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से महामृत्युंजय का जाप करावें, वर कन्या की अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मृत्युंजय जाप करावे यदि नाड़ी दोष लगता है, इस पर विशेष ध्यान दे, और मृत्युंजय 1,25,00,000 मृत्युंजय करवावे, और ब्राह्मण अच्छे सुयोग्य विद्वान ब्राह्मणों का वरण करें, और चंद्रमा देख करके शुभ स्थिति पर, शुभ दिन बार पर जो है, शुभ वास बार में, शुभ महीने में, शुक्ल पक्ष में अनुष्ठान को करें, और अनुष्ठान करके उनका होम दशांश होम करें, यज्ञ करें, और यज्ञ के करने के बाद मृत्युंजय भगवान के लिए दशांश होम का जो है दशांश तर्पण, और उसके बाद दशांश मार्जन, और दशांश ब्राह्मणों को भोजन करावें, और उसके साथ में नाड़ी दोष के लिए विशेषकर गाय अन्न, कई प्रकार का अन्न, गौ सुवर्ण, चाहे सोना थोड़ा दे ज्यादा दे जो भी है, सुवर्ण सोना वस्त्र का दान, तथा द्विदादश ब्राह्मण यानी कि 12 ब्राह्मण एवं सुपात्र जनों को यथाशक्ति भोजन दान दक्षिणा प्रदान करें, और उनको संतुष्ट करें, इसके प्रभाव से मिलान संबंधित जो अष्टकूट या नाड़ी जो दोष है वो उसकी शांति हो जाती है। और वर कन्या की कुंडली में नाड़ी दोष हो परंतु अत्यंत आवश्यक है कि परिस्थिति विवाह करना यदि आवश्यक हो, तो यानी कि कहने का मतलब है कि अंत्य जो कोई भी जो नाड़ी मिल रही है वो नाड़ी दोष है, या और भी जो अष्टकूट आदि मिलान है उन मिलानों में भी यदि कोई गड़बड़ है
तो उन सब के लिए जो है महामृत्युंजय जाप करें, जैसा कि मैंने आपको विधान बताया उसके अनुसार, और 12 ब्राह्मणों का वर्ण करें भोजन के लिए, और उनको जो है सुवर्ण सोना थोड़ा थोड़ा चाहे ज्यादा ज्यादा जैसी आपकी हैसियत है उसके अनुसार जो है प्रदान करें, अन्न प्रदान करें, वस्त्र प्रदान करें, बहुत अच्छी दक्षिणा दे करके उन्हें संतुष्ट करें, और गौ दान करें या गौ के निमित्त जो भी कर सकते हैं वो करें। इसी से जो है विवाह संबंधित जो भी दोष है वो सब शांत होता है। और यदि आप समझ ना पाए हो किसी स्थिति को तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर 9205574511 ये मेरा नंबर है, और आप इस पे कॉल करके पता कर सकते हैं और भी जायजा ले सकते हैं इसके बारे में, ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से मिलान संबंधित या पूजा यज्ञ आदि कार्यों के लिए आप जो मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं और कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। इसी के साथ में मैं विदा लेता हूं, और भी वीडियोस मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, जैसे कि अब ये नाड़ी दोष पर है, उसके बाद में जो है मैं और भी वर्ण परिहार पे, योनि परिहार पे, और इसके बाद में जो गण परिहार है, पंचशलाका है, और इन सब चीजों पे, षडाष्टक पे, इन सब पे जो मैं छोटी छोटी क्लिप्स बनाऊंगा, आप इन सबको देखते रहिएगा ताकि आपको हर चीज का समावेश लेना है, सब चीज का निचोड़ निकाल कर ही जो है आगे बढ़ना है परिणाम स्थिति पर। तो आपके साथ इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से संबंध बना रहेगा। मैं हूं सुनील शास्त्री, अब आपसे विदा लेता हूं और पुनः हम अगली वीडियो के माध्यम से पुनः जुड़ेंगे। राधे श्याम, जय माता दी, जय श्री कृष्णा।